वेलकम टू HRF फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ सूजी और आलू से बना एकदम डिलीशियस स्नैक। ये आप इवनिंग स्नैक में सर्व कर सकते हैं। एकदम आसान और क्विक रेसिपी है और घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप भी अपनी फैमिली के लिए ये इजी और टेस्टी स्नैक ज़रूर बनाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं और उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी आप पतली या फिर मोटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। साथ ही में डालेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, प्याज 1 बारीक कटी हुई, गाजर 1 बारीक कटा हुआ, 1 से 2 हरी मिर्च और ढेर सारी हरी धनिया। अगर आप इसमें और भी कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है 1 से 2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल के आटे से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी और साथ ही में क्रिस्पीनेस भी आएगी। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, करीब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और उसको एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे, बिल्कुल एक फिंगर की तरह। देखिए, इस तरह से हमें इसे एक शेप दे देना है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। तो इसे बीच बीच पर हम पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसे अब हम निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी, इजी एंड क्विक आलू और सूजी के फिंगर्स बनके तैयार हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। इसे आप केचप या चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।